लाहौल स्पीति के विधायक रवि ठाकुर ने पूर्व मंत्री रामलाल मारकंडे के भ्रष्टाचार के आरोपों को दरकिनार किया है। रवि ठाकुर ने कहा कि पूर्व मंत्री बेतुकी बातें कर रहे हैं और उनके खिलाफ मानहानि का दावा करने जा रहे हैं। रवि ठाकुर ने शिमला में कहा कि रामलाल मारकंडे तथ्यहीन बातें करते हैं और उन पर ही नहीं बल्कि अधिकारियों पर भी आरोप लगा रहे हैं कि उनके अकाउंट में कितने पैसे आए, इसकी जाँच की जा सकती है। रवि ठाकुर ने कहा कि मारकंडे खुले मंच पर उनके साथ बहस करें और कमीशन लेने का काम उनके समय में होता होगा, जिसके खिलाफ वे नोटिस भेजा जा रहा है और कानूनी राय के बाद रामलाल मारकंडे के खिलाफ मानहानि का दावा करेंगे। नूरपुर से विनय महाजन की रिपोर्ट, एएमआई न्यूज हिमाचल। मेरा खाता चेक कर सकते हैं आप, एक खाता मेरा यूको बैंक का है, एक खाता मेरा एसबीआई का है और एक कंपनी का खाता है, तीन खाते हैं, तीनों आप चेक कर सकते हैं कहाँ से पैसा है कहाँ से गया, खुली किताब है। मैं तो पूर्व मंत्री को ये कहूँगा कि विकास के इतने कार्य हो रहे हैं तो आप हम एक मंच पे आके आप मेरे से बात कर सकते हैं और विकास की बात करते हैं बजाय इसके अनाप शनाप बातें करने का। अपने कार्यकाल में तो उनका कोई तरक्की के ऐसे कोई विकास कार्य नहीं हुए और अब कार्य शुरू हुआ है तो उनको आके, और मैं ही इज़ माई कॉन्स्टिट्यूएंट नाउ, ही इज़ माई कॉन्स्टिट्यूएंट, मैं चुना हुआ विधायक हूँ, तो वो आके बताए मुझे जो भी दिक्कत तो है वो करें। कि 10% आप कमीशन लेते हैं कोई भी काम करवाते हैं तो उस पे 10% कैसे फिक्स होगा? मुझे मालूम हुआ ये, मैं आरपी रूरल प्लानिंग कमेटी के दौरे पे था तीन प्रदेशों के, तो मुझे फोन आया, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ने बताया था, तो उसका हमने नोटिस जारी कर दिया मानहानि इज्जत का जो करा उन्होंने, 10% हो 15% हो उसमें कोई तथ्य है या नहीं है वो बताएं। अब कहने को तो उस समय भी कहते थे जब ये मंत्री थे कि 22-23% लेते हैं, सब मिल बांट के खाते हैं, और ये आरोप मेरे ऊपर नहीं है, ये आरोप वो सीधा सीधा हमारे कर्मचारी अधिकारियों पे एचओडीज पे लगा रहे हैं। 16-17 विभाग है हमारे, अगर परसेंटेज आती होगी या उनके समय में आती थी, इसका मतलब कि वो नीचे से सारे कागज़ वो जाली बना के ऊपर एचओडीज पास कर रहे हैं उसको, मेरे हाथ में तो कलम है नहीं। हाँ मंत्री के हाथ में होता होगा, उनके पास 6-7 विभाग रहे हैं तो उन, मुझे मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स ये भी बता रहे थे कुछ आरटीआई फाइल कर रहे हो, तो मैंने कहा हाँ उनको कह दो आप आरटीआई फाइल कर रहे हैं अगर, तो आप अपने जो जो विभाग रहे हैं आपके 15 साल आप मंत्री रहे, जो जो विभाग रहे 5-6-7 उसकी भी आरटीआई फाइल करो, उसको भी खंगालो सारे। लाहौल स्पीति उनके पास भी रहा है, उसको भी आरटीआई लगाओ क्या क्या कार्य कब कब हुए हैं। मैंने तो देखो, मैंने तो उनका ये देखा है कि वो दरकिनार करते हैं जो भी नियम होते हैं। नियम का मेरा मतलब है कि 2017 में जब मैं चुनाव लड़ रहा था तो चुनाव जब फैसला हो रहा था तो मुझे एक चुनाव में खड़े थे हमारे सीपीआई से सुदर्शन जसपा, उन्होंने आके मुझसे कहा कि आप फाइल कर दो बोला एफिडेविट, रॉन्ग एफिडेविट फाइल करने का उनके ऊपर मुकदमा। मैंने कहा क्यों? बोलते इसमें तो उनकी प्रॉपर्टी की लिस्ट ही नहीं है, जबकि उनके पास अथाह प्रॉपर्टीज है, बोला शिमला में भी है, कई जगह है, कुल्लू में है, अपना शमशी में है, नगर में है, कोई और भी कई जगह बताई, पता नहीं रामपुर में बता रहे थे कहाँ कहाँ। तो मैंने 2017 में जो फाइल करा था फाइलिंग ऑफ रॉन्ग एफिडेविट मुकदमा उच्च न्यायालय में, 6 महीने तो उनको सिर्फ समन लेने में लग गए, जबकि मंत्री का मिनट टू मिनट प्रोग्राम होता है तो जाके समन अगर अवॉइड ना करें तो एकदम डिलीवर होना चाहिए वो, और 6 महीने बाद भी जैसे कोई ऑफेंडर होता है ना, हैबिचुअल ऑफेंडर, चोर उचक्का या गली कूचे में पकड़ के उनको हाथ में पकड़ाते हैं जाके, उस तरह से देना पड़ा समन। ये नहीं कि भेज दिया तो उन्होंने ले लिया, जाके भाई ये वो व्यक्ति है इसके हाथ में दो, तो ये तरीका अख्तियार कर रहे हैं, तो आप खुद समझ सकते हैं कि वो कितना अवॉइड करते हैं। अभी तक 6 साल होने जा रहे हैं, अभी तक मुझे जवाब नहीं आया कि प्रॉपर्टी की डिटेल्स क्या थी आपकी फाइलिंग ऑफ रॉन्ग एफिडेविट का, जवाब नहीं आया। हाई कोर्ट में अभी तक पेंडिंग पड़ा हुआ मामला। मानहानि का दावा कर रहे हैं? मानहानि का तो मैंने नोटिस के लिए बोल दिया वकील को, वो देख रहे हैं उसमें क्या क्या तथ्य है और उस हिसाब से करेंगे मानहानि का दावा। मैं अभी तो नोटिस निकालेंगे, उनका जवाब आएगा फिर करेंगे ना उसका, अब क्या ये तरीका प्रोसेस उसके हिसाब से होगा ये। सर मंत्री ने ये भी आरोप लगाए थे।